होगी भी नहीं, और क्या ये दूर जाने से ही जरा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो? क्योंकि खेल इतना हो रहा है, निगल्स आ रही है, हमें ही नहीं बाकी प्लेयरों को, क्या क्या बोलोगे इस सबके बारे में? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक महीना बैट नहीं छूंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पे ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, मोर मेंटली देन फिज़िकली। और फिर आप रियलाइज़ करते हैं जब आप दोबारा बैटिंग करते हैं एक महीने के बाद कि आपने क्यों खेलना शुरू किया था। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं खो जाती है आप अपनी आइडेंटिटी में, या आपको लोग जैसे देखते हैं, आप ग्राउंड पे आते हैं सब आपका नाम चिल्ला रहे हैं, तो इसमें खो जाना बहुत आसान है। और गेम के लिए जो एक लगाव होता है, जो एक प्योरिटी होती है, वाई आपने गेम खेलना शुरू क्यों किया, वो जॉय चला जाता है कहीं ना कहीं। तो वो मेरे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं अपने स्पेस में खुश होता हूँ तो मुझे पता है मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। और मेरा एक ख़राब स्पेस में होना ना तो टीम के लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। आई थिंक किसी को भी इस चीज़ से हटना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। अगर किसी को नेगेटिव फील हो रहा है या आप डाउन फील कर रहे हैं, तो ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। और आई होप कि लोगों को इससे स्ट्रेंथ मिले और वो भी अपने जो भी फीलिंग्स हैं उसको एड्रेस कर पाएँ, कि हम सब ह्यूमन हैं, हमारे साथ सबके साथ ऐसी फीलिंग हो सकती है। लेकिन उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना, उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप इग्नोर करेंगे तो आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अब मैं आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, मुझे मज़ा आ रहा है दोबारा क्रिकेट खेलने में, जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी फ्रॉम डे वन। थैंक यू विराट, थैंक यू फॉर योर टाइम।